अकाली दल वालों टिंडसा धड़े के नाल संबंध होने के लगाए दोषों का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तिखा जवाब दिता है। सोशल मीडिया से लाइव दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद मैंबर सुखदेव सिंह टिंडसा की नवी अकाली दल पार्टी कांग्रेस का कोई लेन देन नहीं है। लोकतंत्र में सारे नूं अपनी गल कहण दा अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नवे नवे अकाली दल के गठन का पुराना इतिहास रहा है। 1984 के बाद पंजाब में 7 अकाली दल सन। उन्होंने कहा कि अकाली दल रबड़ वर्गा हो गया है, कदे फैल जाता है तो कदे संभड़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस गल तो कोई समस्या नहीं है। पंजाब में किन्ने सियासी दल बनते हैं, समस्या सिर्फ इस गल तो है कि सूबे की शांति भंग ना हो। मुख्यमंत्री ने पंजाब दी सारियां सियासी पार्टियां नूं अपील की है कि वह कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए वड्डियां रैलियां तो बचन। उन्होंने कहा कि जदों नेता ही कानून की उलंघना करनगे तो जनता में गलत सुनेहा जाएगा, इसलिए नियमों का पालना जरूरी करना चाहिए। छोटे समागमों के भी मास्क लाजमी तौर पर पाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कॉम टीवी। अकाली दल वालों टिंडसा धड़े के नाल संबंध होने के लगाए दोषों का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तिखा जवाब दिता है। सोशल मीडिया से लाइव दौरान एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद मैंबर सुखदेव सिंह टिंडसा की नवी अकाली दल पार्टी कांग्रेस का कोई लेन देन नहीं है। लोकतंत्र में सारे नूं अपनी गल कहण दा अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नवे नवे अकाली दल के गठन का पुराना इतिहास रहा है। 1984 के बाद पंजाब में 7 अकाली दल सन। उन्होंने कहा कि अकाली दल रबड़ वर्गा हो गया है, कदे फैल जाता है तो कदे संभड़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस गल तो कोई समस्या नहीं है। पंजाब में किन्ने सियासी दल बनते हैं, समस्या सिर्फ इस गल तो है कि सूबे की शांति भंग ना हो। मुख्यमंत्री ने पंजाब दी सारियां सियासी पार्टियां नूं अपील की है कि वह कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए वड्डियां रैलियां तो बचन। उन्होंने कहा कि जदों नेता ही कानून की उलंघना करनगे तो जनता में गलत सुनेहा जाएगा, इसलिए नियमों का पालना जरूरी करना चाहिए। छोटे समागमों के भी मास्क लाजमी तौर पर पाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कॉम टीवी।